दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज का ये मेरे वीडियो का टाइटल देखकर, जहां मैं आपको कह रहा हूं कि एमएसएमई लोन सिंपल है, मुझे पता है कि आज आप मुझसे जरूर नाराज होगे। आप कहोगे कि ये मुकेश मोहन हमें गलत बातें क्यों बताने लगा। दोस्तों नहीं, मैं ही आपको बताता हूं बार बार कि ये एमएसएमई को लोन मिलने में बहुत सारी परेशानियां हैं, और वो परेशानी ऐसी हैं कि ब्रांच मैनेजर कई बार उनको ठीक तरह से अटेंड नहीं करते। जो टर्न अराउंड टाइम है लोन लेने का वो बहुत लंबा हो जाता है। एमएसएमई को खास तौर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग भी कई बार अच्छी नहीं होती और भी उनके फाइनेंशियल्स में दिक्कत होती है, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होती है। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एमएसएमई को लोन मिलने में बहुत समस्या है, तो आज ऐसा क्या हो गया जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि एमएसएमई लोन सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि ठीक है, इन सब परेशानियों के बावजूद भी आप आसानी से कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी एक आदमी से, एक बैंक से लोन ले लें और वो हमारा रीपेमेंट बिल्कुल ठीक तरह से चलता रहे, तो बाकी जो लोग हैं, चाहे वो बाजार है या बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या एनबीएफसी है, वो भी शायद हमको ढूंढते हैं, कहते हैं कि भैया ये आदमी, इसका रीपेमेंट, इस कंपनी का रीपेमेंट ठीक है, तो अगर हम भी इसको लोन दे दें तो शायद प्रोबेबिलिटी जो है डिफॉल्ट की, इसके साथ बहुत कम होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो आपके, हमारे, हर कंपनी के जो रीपेमेंट का बिहेवियर है लोन का, उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब रखती है। और फिर भी जब कोई नया बैंक, नया एनबीएफसी, नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन देना चाहता है या हम उसके पास जाते हैं हमें लोन दे दो, तो वो इस सिबिल नाम के इंस्टीट्यूट से सारी डिटेल हमारी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा पास्ट में क्रेडिट बिहेवियर कैसा रहा है और आगे क्या चांस हैं कि हम डिफॉल्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों इंडिविजुअल केस में तो आपने सिबिल के बारे में सुन रखा होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे वो आप प्रोप्राइटरशिप में करें, पार्टनरशिप में करें, प्राइवेट लिमिटेड में करें, या लिमिटेड कंपनी के रूप में करें, या चाहे एलएलपी में करें, तो उस कंपनी या उस फर्म की जो ये क्रेडिटेबिलिटी है, ये कौन बताएगा? जी हाँ, सिबिल आपकी मदद करेगा इसमें, आपके बैंकों की, कि भाई आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आपका बिहेवियर कैसा है और आपके डिफॉल्ट होने के क्या चांस हैं। दोस्तों ये जो रिपोर्ट मिलेगी आपके बिजनेस के बारे में, इसको हम बोलते हैं कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, CCR, कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट। आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में काम करते हैं, ये सिबिल आपको बताएगा कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सभी बैंक, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जो भी लेंडर्स हैं, वो आसानी से यहां से ले सकते हैं डिटेल आपकी कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों ये जो कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट है, जो सिबिल से हम ले सकते हैं, ये उन बिजनेस एंटिटीज के लिए है जिनका लोन 10 लाख रुपए से 50 करोड़ तक है। यानी जो इस ब्रैकेट में आते हैं कि 10 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ तक का जिनका लोन है, जब वो बैंक जाते हैं तो बैंक उनके क्रेडिबिलिटी के बारे में एक रिपोर्ट निकाल लेते हैं यहां सिबिल से, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देखकर उनको मैं कह सकता हूं कि हाँ, एमएसएमई लोन सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में, अपनी रिपोर्ट के बारे में पहले खुद ज्ञान होना चाहिए, कि जब बैंक के पास आप लोन लेने जाएंगे और जब वो आपकी रिपोर्ट चेक करेंगे, कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अपनी ये कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट पहले अपने आप निकाल के देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये जो रैंक है दोस्तों, ये सिबिल की जो कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट है, इसमें एक डिजिट होती है 1 से लेकर 10 तक। जी हाँ दोस्तों, जहां पर अगर आपको रैंक 1 मिलती है, तो यानी सिबिल ये कह रहा है आपके बैंकों से कि भैया इनकी प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट की बिल्कुल भी नहीं है, यानी 1 रैंक जो है दोस्तों वो बेस्ट है और जो रैंक 10 है वो सबसे खराब है। दोस्तों मैं आपको यहां ये और बताऊं, जब मैं आपको बोल रहा हूं कि एमएसएमई लोन सिंपल है, तो हमने देखा है कि जिन कंपनीज की या जिन फर्म्स की जो ये रैंक है 1 से लेकर 4 तक है, और जिनको लोन मिला है, तो 70% जिन लोगों को लोन मिला है उनकी रैंक
एक और चार के बीच में है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये रैंक पहले अपने आप चेक कर लें और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करें और फिर अपने बैंक के पास जाएं, तो फिर मैं कह सकता हूं एमएसएमई लोन सिंपल है। दोस्तों मैं यहां आपको एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूं, www.cibil.com, cibil.com। दोस्तों यहां जब आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा सिबिल रिपोर्ट प्रोडक्ट्स, आप इस टैब को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपको एक और नीचे टैब मिलेगा सिबिल रैंक एंड कंपनी रिपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस सिबिल रैंक एंड कंपनी रिपोर्ट्स को क्लिक कर देना है और देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है वहां पर आपको लिखा हुआ आ रहा है गेट योर्स नाउ। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहां आपको एक फॉर्म आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये इंफॉर्मेशन देके और सिबिल आपसे एक छोटा एक 3,000 रुपए का पेमेंट भी यहां मांगेगा, आप वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक सिबिल के हिसाब से क्या है। दोस्तों आपको अपनी कंपनी या फर्म की ये जो रिपोर्ट लेनी है उसके लिए ये जो फॉर्म है उसमें बेसिक डिटेल वो आपसे मांगते हैं, यानी आपकी कंपनी का क्या नाम है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है ये रिपोर्ट लेने के लिए वो ऑथराइज्ड कैसे हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, और फिर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने होंगे और साथ में पेमेंट करना होगा एक 3,000 रुपये का। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्म के लिए, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने हैं ये अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाते हैं और आपको अपनी कंपनी की ये रिपोर्ट लेनी है सिबिल से कि भैया मेरा रैंक क्या है, मुझे एमएसएमई लोन सिंपल है या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एक तो एड्रेस प्रूफ चाहिए जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप अपनी फर्म के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, आपका रेंट एग्रीमेंट है अगर आप रेंटेड प्रोमाइसिस में कर रहे हैं, आपका सेल डीड है अगर आप अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ हो वो आपको एक चाहिए। और दूसरा दोस्तों आपको आईडी प्रूफ चाहिए प्रोपरेटर का, यानी जो आप खुद हैं, आप प्रोपरेटर हैं तो आपको अपना आईडी प्रूफ चाहिए। उसमें दोस्तों आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, ये दो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं क्योंकि जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको ये दो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करने होंगे। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं तो ये अपनी रिपोर्ट लेने के लिए सिबिल से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करने होंगे। दोस्तों एक आपको जैसे मैंने कहा प्रोपरेटरशिप फर्म में, यहाँ भी आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ योर बिजनेस वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट वही है जो मैंने आपको पहले बताए थे। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी फर्म का पार्टनरशिप डीड और अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने ले लिया रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से तो आपको उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। दोस्तों साथ में आपको जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इस फॉर्म को भरेगा अप्लाई करेगा उनका एक लिस्ट देनी है कि भाई कौन है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव विद स्पेसिमेन सिग्नेचर उनके। दोस्तों इसके अलावा आपको अपनी जो फर्म है ये पार्टनरशिप फर्म उसका पैन नंबर यानी पैन कार्ड, यहाँ पर आपको फर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा और जो आपका पैन कार्ड है उसको यहाँ आपको अपलोड करना होगा। दोस्तों इसके अलावा कोई एक पार्टनर, क्योंकि ये CCR का फॉर्म भरेंगे तो आपको उन पार्टनर का आईडी प्रूफ, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका पैन कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनका पासपोर्ट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा ये अपनी CCR लेने के लिए। दोस्तों अगर आप अपना बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के रूप में कर रहे हैं तो भी डॉक्यूमेंट सिंपल हैं, बस आपको एक तो एड्रेस प्रूफ जो मैंने पहले बताया जिस तरह से, तो अपनी कंपनी का एक एड्रेस प्रूफ दे दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी है तो इसमें कंपनी में कोई भी डिसीजन होता है किसी भी चीज़ को लेने के लिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आपको एक बोर्ड से रेजोल्यूशन पास कराना होता है कि भाई कौन डायरेक्टर या कौन ऑफिसर कंपनी का वहाँ अप्लाई करेगा। तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पर एक अपलोड करेंगे सिबिल वेबसाइट पर,
डिटेल देकर कि भाई कौन ऑथराइज्ड है ये फॉर्म भरने के लिए। साथ में दोस्तों आपको कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो यहां पर देना होगा और आईडी प्रूफ देना होगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, जिन्होंने जिनको बोर्ड ने ऑथराइज किया है, यानी फिर वही उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वो देना होगा। दोस्तों जब आप ये सबमिट कर देंगे तो वो आपसे 3,000 रुपये मांगेंगे, आप उनको पेमेंट कर दीजिएगा और आपकी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। दोस्तों मैं फिर आपको बोलता हूँ कि हाँ, अगर आपके बैंक और आपके लेंडर्स को ये पता हो कि भाई इनका यानी इस बिजनेसमैन का जो बिहेवियर है पास्ट में वो अच्छा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एमएसएमई लोन सिंपल है। तो दोस्तों एक बार इसको अजमा के देखिए, ये जो रिपोर्ट है कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट, ये सिबिल की वेबसाइट से आप ले लीजिएगा और फिर आप इस रिपोर्ट को लेकर भी जा सकते हैं अपने बैंक के पास कि देखिए साहब मेरी अगर रैंक 1 से 4 के बीच में है, यानी आपको अब मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा कोई मन में संशय नहीं रखना है कि मैं डिफॉल्ट कर सकता हूं, यानी मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि बैंक भी कहेंगे कि हाँ हमें तो लोन देना है तो इनको ही दिया जाए जिनकी सिबिल की जो रैंक है वो 1 से 4 के बीच में है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको अपना सिबिल का स्कोर इम्प्रूव करना है, ठीक रखना है, मेंटेन करना है, तो आप क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। मैं दोबारा से आपको बहुत जल्द एक वीडियो दूंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक में गड़बड़ है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो रैंक है वो भैया 1 से 4 के बीच में ही रहे, ताकि हम कह सकें कि एमएसएमई लोन सिंपल है। तो दोस्तों ऐसी ही और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ आप इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में एक बात और, अब हमने शुरू कर दिया है एक एमएसएमई की पाठशाला जहां पर हम आपको दोस्तों पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या करें और ड्यूरिंग द प्रोसेस आप कौन कौन से स्टेप, कौन से रजिस्ट्रेशन या और जो भी आपको ज़रूरत है बिजनेस में सफलता पाने के लिए वो कब और कैसे करते रहें। और हाँ दोस्तों, आप ये एमएसएमई की पाठशाला डाउनलोड कर सकते हैं अभी के लिए अपने एंड्रॉयड फोन से। तो देखते रहिए एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।